गुरुग्राम में सोमवार की रात आई आंधी और बारिश ने सोना रोड पर स्थित पार्श्वनाथ ग्रीन सोसाइटी की जर्जर दीवार का 12 फुट ऊंचा और 50 फुट लंबा हिस्सा साथ लगती सोसाइटी अरोन विला में जा गिरा, जिससे रिटायर्ड सेशन जज और सरकारी डॉक्टर की गाड़ियों समेत 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गुरुग्राम की सेक्टर 48 में यह हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति जर्जर दीवार के साथ नहीं था, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। इस हादसे से अरोन विला सोसाइटी के निवासियों में दहशत और गुस्से का माहौल है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई और हादसे की जाँच शुरू कर दी। रात के करीब 11 बजे ही अचानक आवाज आई। इतनी ज्यादा तूफान भी नहीं था, तूफान का बहाना लिए क्यों, कल सुबह मॉर्निंग में तो तूफान तेज था और रात को इतना खास कोई तूफान तेज भी नहीं था। लेकिन जैसे ही 11 बजे करीब, ये गिरने से करीब आध घंटा पहले, दोनों बच्चे मेरे, पुत्र व दूर बेटा, आए थे घूम के आइसक्रीम वगैरह खा के। उन्होंने जैसे गाड़ी रोकी, उसके आधा घंटे के बाद में ये चीज़ें हुई। एकदम से आवाज़ आई, जैसे अंदर घुसे तो इन्होंने बताया कि ये चीज़ें हो गई है। देखा तो मैं भैया, अब क्या है रहा था और क्या। एक्चुअल में क्या है कि जो ये है ना, क्या बोलते हैं इसको, लॉकिंग जो टाइल हैं वो होल वाली हैं। जो भी पानी बारिश का पानी है या गाड़ी साफ करते हैं तो सारा पानी वहीं चूता है, क्यों सारा। और दूसरी बात, जो दीवार है इसके साथ में भी एक वाटर सप्लाई की लाइन है, वो भी मेरी समझ में लीकेज है, क्यों गिला है। देखो आप, आपके सामने ये गिलापन है। और कई बार हमने इनको ये भी कहा था कि भैया इसको थोड़ा मेंटेन करो आप, और इसको अपना पेड़ों को भी थोड़ा काटो आप, कल ने कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। लेकिन कितने गाड़ी का नॉर्मल आप ये लगाओ 30-35 लाख रुपए तो है। इसकी शिकायत दे रहे सर, सुबह सुबह जो है ना पुलिस को रिपोर्ट करी थी, पुलिस वाले भी आए हैं, लेकिन कंपनी से कोई नहीं आया। कंपनी से तो आते हैं, बल्कि एक दो आदमी पेड़ काटने के लिए आया कुल्हाड़ी लेकर। मैंने उनको ये कहा कि भाई कुल्हाड़ी से मत काटो आप, JCP वगैरह मत बुला लो आप, और JCP से ऐसे उठाएंगे आप तो ताकि हमारा और लॉस नहीं होगा, नहीं तो आप कुल्हाड़ी से काटोगे तो सारा जो वेट है सारा गाड़ी पर हो जाएगा, हो सके गाड़ी की छत जो है ना और नीचे बैठ जाएगी। पार्श्वनाथ ग्रीन सोसाइटी की पीछे स्थित अरोन विला सोसाइटी के निवासियों ने इस दीवार व पेड़ों की शिकायत कई बार सोसाइटी के मैनेजमेंट को की थी, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। आखिरकार सोमवार की रात 11 बजे वही हुआ जिसका अंदेशा था। सोसाइटी की यह पिछली 12 फीट ऊंची व 50 फीट लंबी जर्जर दीवार बरबरा कर अरोन विला में जा गिरी, साथ ही पेड़ भी अरोन विला में खतरनाक तरीके से गिर गए। सर एक बार इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं RS बिर्क हूँ, फॉर्मर सेशन जज, हरियाणा से रिटायर हुआ हूँ। सर ये क्या पूरा इंसिडेंट था, ये पूरी जो वॉल गिर गई और फिर 3 से 4 गाड़ियाँ उसके अंदर, 4 गाड़ियाँ एक्चुअल डैम्ड हुई हैं। 5वीं के ऊपर भी गिरी थी, लेकिन वो पीछे थोड़ी चीज रहेगी तो बचत रहेगी कंपेरेटिवली उसकी, तो ट्रेड पेड़ तो उसके ऊपर भी गिरा था। और ये पेड़ इतने बड़े टाइम से हैं, इतने बड़े हैं, इनको खुद भी मैनेजमेंट इनकी देखना चाहिए था। अभी ये बड़े हो रहे हैं, बिल्कुल दीवार के साथ है। एक तो आप देखोगे तो चूंटी भी लगा रखी है दीवार के साथ, पानी मर रहा है वहाँ, रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट है। और ये अभी सिर्फ मटेरियल लॉस है, बाई चांस कुछ दिन का टाइम होता वहाँ कोई हमारे में से बैठा होता, ड्राइवर बैठा होता, गाड़ी से उतर रहा होता, वो जान माल का नुकसान भी होता, गैर जिम्मेवाराना हरकत है। क्या सर शिकायत भी कोई की गई है? शिकायत उनको सामने कई बार कहते थे भैया अपने पेड़ कटवाओ, प्रूनिंग तो होनी चाहिए ना किसी भी पेड़ की जो, और इनका जो पेड़ का झुकाव इस तरह था सारा, अब इसको क्या कहें, किसको कहें, सुनते तो है नहीं। कितना लॉस हो सर? लॉस एक क्रेटा गाड़ी है जो डॉक्टर साहब की है, वो तो बिल्कुल मेरे को लग रहा है कंप्लीट लॉस है। मेरी जो टोयोटा इनोवा है ये लास्ट ईयर ली थी 27 लाख रुपए का लॉस, कई लाखों का नुकसान। ठीक है। इसके चलते विला नंबर 5, 6 और 7 में रहने वाले निवासियों, रिटायर्ड सेशन जज और एस विर्क की इनोवा क्रेस्टा, डॉक्टर यूसी की किया, रामफुल नेहरा की क्रेटा और ES नामक कोरियन कंपनी की गाड़ी इको स्पोर्ट क्षतिग्रस्त हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24।